चक्कर होगी उसके अंदर, दालें होगी 1 किलो, एक लीटर तेल होगा और तमाम नमक सहित मिर्च मसाले होंगे। इतना एकज आपको प्रति माह मिलेंगे आपको 1 महीने के बाद में, वो व्यवस्था के अंदर करेंगे। इस प्रकार जो व्यवस्था करी है, इससे मान लीजिए अगर गाय कोई है, गाय अभी 90 लोग मर गए थी, यात्रा जगह हो जगाने के लिए 40,000 रुपए प्रति गाय देना स्वीकार किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंत्री लोग से गाय मरिए, राज्य सरकार को चाहिए केंद्र को वो उनको मदद करे, तो कब करेंगे बताए। हमने 40,000 का यहाँ का बजट में घोषणा कर दी राष्ट्र के अंदर। और दो पशु जो है आपके चंडीगढ़ 2,000 पशुओं का गाय के आप 35,000 अब गाय भैंस का आपको 2 पशुओं का बीमा होगा। बीमे की रकम हम भरेंगे, सरकार भरेगी, आपको एक नया पैसा नहीं देना है। 2 पशुओं का बीमा होगा, अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो 40,000 के आधार पर 80,000 रुपए मिलेंगे उस परिवार को। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करेंगे। नरेगा का काम 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिया राजस्थान के अंदर, हमने शहरों में नरेगा चला रहे हम लोग, नगर पालिका में और 25 दिन एक्स्ट्रा किया है। और तो और पेंशन मिलती है आप लोगों को, जो 500 मिलती थी विधवाओं को, विसर्जनों को उम्र निर्धारित मिलती थी 500-450। मैंने फैसला किया है कम से कम 1,000 रुपए पहले सबको मिलेगी अब आज की बात में। और गैस सिलेंडर 1,150 रुपए का हो गया था, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने क्या किया है, इतने 80 लाख लोगों को राजस्थान में जो उज्ज्वला योजना के नाम पे जो गैस सिलेंडर दिए गए थे, सिलेंडर महंगा हो गया, एक परिवार खरीद नहीं पा रहे। हमने क्या किया है, उन सबको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा आज की बात में। एक तारीख एक अप्रैल लागू स्कीम हो गई है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। यूएसपी वारंटी तारीख लागू हुई है, उदाहरण के रूप में 1 अप्रैल लागू हो गई है गैस सिलेंडर वाली 5 रुपए, जितना 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर ले भी लिया है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है 1 महीने बाद में, तब भी उसको 1 अप्रैल ही करना मिलेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार हमने इस तरह को गारंटी दी है, खुशी कमी से 16,58,000 आज 3 दिन के अंदर 16,58,000 परिवार ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। कुल 77,30,000 गारंटी कार्ड दिए जा चुके, 77,00,000 आप सोच सकते हो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आप सबका आशीर्वाद से हमने प्रारंभ की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का उत्साह लोगों में है। आज 1 दिन में 5 लाख परिवार ने इलाज शुरू करने का निर्णय करवाया। आप सोच सकते हो दो महीने स्कीम चलाई, कभी कर लीजिएगा, खत्म भी हो जाएंगे। तब भी 2,000 कैंप और लगाने परमानेंट रहेंगे, वो जब तक सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो कैंप चलेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 2,000 कैंप चलेंगे, लगातार चलेंगे, चलते जाएंगे जब तक सबका रजिस्ट्रेशन होगा। जो मेरे बाद होगा तब भी आपको वेतन मिलेगा जो कि योजना प्रारंभ होगी तब तक मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा ज्यादा भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की युक्त नहीं है, आराम से आए बैठे, गर्मी का टाइम है, दर्शन कर रहे हैं अपना, दर्शन कर रहे हैं, कोशिश करें अच्छी व्यवस्था हो, कम टाइम लगे आपको इस सब कोशिश। मैं आज मौके पर आप बच्चे कहना चाहूंगा, जब मैंने कहा आपको युवाओं के लिए अलग हमने स्कीम बना की है, जो मांगा मुझसे एमएलए ने या जनता ने, मैंने प्रयास किया कॉलेज हो या आपकी तहसील हो, उप तहसील हो,
एमपी ऑफिस हो, नगर पालिका हो, जो भी मांगा आपके यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी खोल रही है गवर्नमेंट का। 2000 कैंप चलेंगे, लगातार चलेंगे, चलते जाएंगे जब तक इस सबका रेशन चल रहा है। 2 महीने बाद भी रेशन होगा तब भी आपको पैसा मिलेगा जब से योजना प्रारंभ होगी तब से मिलेगा। इससे मैं कहना चाहूँगा वो ज़्यादा भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की जरूरत नहीं है, आराम से आए बैठे, गर्मी का टाइम है, रेशन करें अपना वेतन करें, कोशिश करें अच्छी व्यवस्था हो, कम टाइम लगे आपको, ये सब कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज मौके पर आपको तय करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा आपको युवाओं के लिए अलग हमने स्कीम बना रखी है, जो मांगा मुझसे एमएलए ने या जनता ने, मैंने प्रयास किया कॉलेज हो या आपकी तहसील हो, उप तहसील हो, एसडी ऑफिस हो, नगर पालिका हो, जो जो मांगा आपके यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी खोल रही है गंगा नगर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि जो राजकुमार सर गौड ने मुझसे मांगा, जगदीश शर्मा ने मुझसे मांगा, मैंने इनको मना नहीं किया, बल्कि मैंने कहा इनको आपने सुना होगा तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा। इतनी बड़ी बात कही है, आप बताइए मांग के बाद थक जाओगे और थक गए ये, मैं नहीं देता थकाऊ। जोर से ताली बजाई सब लोग, ताली बजा जोरदार महिला, अब महिला को ताली बज रही है, आपकी ताली बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी, मेरे का कारण क्या है? अरे कुछ जोश खाना चाहिए जिससे कि हमें भी जोश आए, आपका जोर देखे मुझे लाएगा। अरे माई बाप तो आप बैठे हुए हो, हमें यहाँ इससे भी किसे बिठाया, एमएलए किसे मैंने बनाया, आपने गांव का सरपंच कौन बनाता है, प्रधान प्रमुख कौन बनाता है, मंत्री मुख्यमंत्री कौन बनाता है, प्रधानमंत्री कौन बनाता है, आम जनता बनाती है। माई बाप कौन हुए, आप हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया संविधान गांधी जी के जमाने में ही, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे और कई नेता थे बड़े बड़े, ये वोटों का अधिकार दिया जनता को, ने गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान, और जो पैरों के हाथ लगाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, वोट दिया, आशीर्वाद हो मुझे, मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये अधिकार मिला आपको, तो आप जोश खाओगे तो मैं जोश आएगा। मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मौसम भी अच्छा है, 3 दिन से जो है गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, हम चिंता लगी हुई थी गर्मी में लोगों को कैसे बुलाया हम लोगों ने कैंपों में, भगवान की दया से देखिए आप 3 दिन से गर्मी कुछ कम पड़ रही है, मौसम भी ठीक चल रहा है, शुभ संकेत है। इसलिए महिला बैठी हुई कहना चाहूंगा मैं आपको, हमने 1,35,00,000 मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन होता है, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं सही देंगे हम लोग, इंटरनेट सेवाएं 3 साल के साथ होगी, एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, रक्षाबंधन आएगा अभी अगस्त में, तब हम लोग 40,00,000 टेलीफोन मोबाइल फोन जो महिलाएं हैं उन सबको दे रहे हैं, हर परिवार की महिला को मुखिया बनाया हम लोगों ने, हर परिवार की महिलाओं को मिलेगा, 40,00,000 महिलाओं को रक्षाबंधन मिलेगा, बाकी को फ्रीजर मिलेगा, हमारी कोई कमी रख नहीं रहे हम लोग, काम करने में कमी नहीं रख रहे हैं, कितना जोर खा रही मेरी बहन देखिए आप कितनी जोर खा रही है ये। अब आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करता, अभी कैंप एक और है शहर के अंदर, उत्तम जाएंगे, आपको मैं बहुत बड़ा सबका यहाँ बता रहे हो, आप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कैंप बहुत कामयाब होगा, अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा इनको भी और महंगे रात के जो मेरे साथी बैठे उनको भी, स्काउट के लोग बैठे हुए हैं वो अच्छा काम कर, स्काउट के बच्चे भी थे भाई, अरे
मैं कहना चाहूंगा सब मिलकर के ये काम सेवा का काम है, सब मिलकर सेवा का काम करो। ये मौका दिया भगवान ने हमें सेवा करने के, पब्लिक की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे बड़ा यकीन है कि चार साल निकल के हमने देखा है कोई काम की कमी नहीं रही है। इसी रास्ता में शानदार पानी की योजना बन रही है, जल जीवन मिशन, बिजली पैदा हो रही है, कुछ बिजली की कमी हो रही है कोयले के कारण से, हमारे चिंता का विषय बना हुआ है। सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर, और महंगाई के कारण आप देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी खूब लगा रहे हम लोग, करीब 3-3.5 लाख नौकरी लग रही है राजस्थान के अंदर, हथियार बन रहा है उसका भी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।